कार्तिक आर्यन से पीछे रह गए रणबीर कपूर। शमशेरा ने ओपनिंग डे पर की धीमी शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रणबीर कपूर ने शमशेरा से 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट होने वाली फिल्म है, पर ऐसा हो ना सका। रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर स्टारर फिल्म शमशेरा सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म से रणबीर कपूर ने जहां 4 साल बाद पर्दे पर वापसी की है, तो वहीं उनके दोस्त करण मल्होत्रा ने 7 साल बाद कमबैक किया है। शमशेरा को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि ये इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। शमशेरा तो कार्तिक आर्यन की भूलभुलैया 2 के ओपनिंग कलेक्शन को भी पार नहीं कर पाई। ओपनिंग के लिहाज से देखें तो ये फिल्म इस साल टॉप ओपनर्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। शमशेरा को लेकर पिछले 2 सालों से बज क्रिएट किया गया है। साल 2020 में इसकी घोषणा की गई थी और रिलीज होने में इसने पूरे 2 साल का वक्त लिया। यशराज फिल्म्स की बाकी फिल्मों की तरह शमशेरा भी बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग के मामले में फिसड्डी ही साबित हुई। फिल्म ने शुरुआती आंकड़ों के लिहाज से सिर्फ 10.30 करोड़ की ही ओपनिंग ली है। फिल्म के 150 करोड़ के बजट को अगर देखें तो ये आंकड़ा 10% को छूता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में शमशेरा के लिए आगे की राह मुश्किल होने वाली है। मेकर्स ने शमशेरा के टिकट के रेट्स काफी कम रखे थे कि एडवांस बुकिंग में ही तगड़ी कमाई हो जाएगी, पर वहां भी इन्हें निराशा ही हुई। शमशेरा ने मात्र 2.60 करोड़ के एडवांस बुकिंग के तौर पर कमाए थे, जिसके असर शुक्रवार को कम कलेक्शन के रूप में देखने को मिला। इस फिल्म को देश भर में करीब 4,350 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, पर इसकी कमाई इस साल अक्षय कुमार की 2 फ्लॉप फिल्मों बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज से भी कम रही। और तो और कहा जा रहा था कि शमशेरा कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 को भी पछाड़ देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।